हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी लाल और पीली कलर की प्लेन चूड़ियों से बहुत ही डिफरेंट डिजाइन में चूड़ी का सेट बनाकर। तो आज की वीडियो बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाली है, तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और अपने फ्रेंडों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। यहाँ पर मैं आपने कुछ कंगन और चूड़ियाँ दिखाती हूँ। तो अब हम यहाँ पर फर्स्ट सेट बनाएंगे लाल चूड़ी से। हम गिन लेते हैं कितनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट सेट बनाने के लिए लाल चूड़ियाँ 10 ली हूँ और इसी में ऐड करने के लिए हम वाइट कलर की चूड़ियाँ लिए हैं। तो हमें यहाँ पर वाइट कलर की चूड़ियाँ ओनली 4 लेनी है, जो इन्हीं से हम फर्स्ट सेट बनाएंगे। मैं यहाँ पर चूड़ी ले ली हूँ, 2 कंगन में इस साइड ऐड कर लूँगी चूड़ियाँ वाइट कलर की, और 2 इस साइड हम ऐड कर लेंगे वाइट कलर की चूड़ियाँ। तो आप देख पा रहे होंगे हमारा फर्स्ट सेट बनकर रेडी हो गया। मैं यहाँ पर आपको बहुत ही सिंपल, बहुत ही आराम तरीके से चूड़ी का सेट बनाकर सिखाई हूँ। तो आपको फर्स्ट सेट कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको अपने हाथ में भी इस चूड़ी का सेट पहनकर दिखा दी हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो देखने में। तो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम यहाँ पर बनाएंगे पीली और लाल कलर की चूड़ी से सेट सेकेंड पैटर्न। इनको गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पर लाल कलर की मैंने 10 चूड़ियाँ ली हैं और येलो कलर की गिन लेते हैं हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पर हम पीले कलर की भी 10 ही चूड़ियाँ लिए हैं और इनमें ऐड करने के लिए लिया हमने येलो वाइट कलर की चूड़ियाँ 2, 3, 4, 5, 6 लिए हम, और 2 लिए हैं इसमें ऐड करने के लिए मोटा वाला कड़ा। इन्हें आप बहुत ही आराम से करवा चौथ के फेस्टिवल में पहन सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम सेट बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 लेंगे येलो पीली कलर की चूड़ी, फिर 2 लेंगे लाल चूड़ी, फिर 2 पीली चूड़ी, फिर 2 लाल ऐड कर लेंगे, फिर 2 पीली चूड़ी ऐड कर लेंगे। ऐसे ही हम ऐड करते जाएंगे। आप भी इसी तरह से वीडियो देखकर अपने घर पर बहुत ही सिंपल तरीके से चूड़ी का सेट बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम बहुत ही सिंपल तरीके से आपको चूड़ी का सेट बनाकर दिखा दिए। मैं इतना एक हाथ के लिए बनाकर दिखा रही हूँ, आप सेम इसी तरह दूसरे हाथ के लिए भी बनाकर पहन सकते हैं। तो अब जहाँ पर हमने 2 पीली पीली चूड़ियाँ लिए थे उनके बीच में हमें वाइट वाइट कलर की चूड़ियाँ ऐड करते जाना है, इस तरह से जिस तरह से मैंने किया देख पा रहे होंगे। इसी तरह से हम ऐड करते जाएंगे और एक एक हम साइड में भी ऐड कर लेंगे। ये इस तरह से मैंने कर लिया, इस साइड भी कर लेंगे, इस साइड भी कर लिया, और जो मोटे वाले कड़े हैं उन्हें हम दोनों साइड ऐड कर लेंगे। हमने इस साइड कर लिया और इस साइड भी कर लेंगे। ये देखिए, ये देख सकते हैं हमारा सेकेंड पैटर्न भी बनकर रेडी हो गया। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आराम तरीके से मैंने आपको चूड़ी का सेट बनाकर दिखाया है। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपको अपने हाथों में भी चूड़ी का सेट पहनकर दिखा दे रही हूँ ताकि आपको पता चल सके कि ये पहनने में कितनी खूबसूरत और सुंदर से चूड़ियों के सेट लगते हैं। तो देख पा रहे हूँ मेरे हाथ में बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी चूड़ियाँ लग रही हैं। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो अब हम यहाँ पर बनाएंगे थर्ड पैटर्न। यहाँ पर हमने येलो कलर की चूड़ियाँ ली हैं और रेड कलर की चूड़ियाँ ली हैं। इसमें हम कुछ कंगन डिफरेंट कर दिए हैं। अब हम इनमें कंगन ऐड करेंगे गोल्डन कलर के, और चूड़ियाँ भी हम इनमें नंग वाली ऐड करेंगे गोल्डन ही कलर की। ये देख सकते हैं अब हम यहाँ पर अब थर्ड पैटर्न बनाएंगे। चलिए अब पैटर्न बनाने स्टार्ट करते हैं। तो 1 लेंगे गोल्डन चूड़ी, फिर ले लेंगे पूरी येलो कलर की चूड़ियाँ, फिर 2 लेंगे गोल्डन चूड़ी, फिर पूरी इस साइड लाल कलर की चूड़ियाँ ले लेंगे, और फिर ले लेंगे साइड 2 गोल्डन चूड़ियाँ। जो हमने 3 ये गोल्डन कलर के कंगन लिए थे, जहाँ पर हमने 2 गोल्डन चूड़ियाँ लगाई हैं उन्हीं के बीच में हम ये कंगन ऐड करते जाएंगे। ये मैंने कर दिया, ये देख पाएंगे एक साइड मैंने कर दिया, बीच में भी इसी तरह से हम ऐड कर लेंगे और साइड में भी इसी तरह से हम ये चूड़ी ऐड कर लेंगे।
कंगन ऐड कर लेंगे। सॉरी, ये देख सकते हैं बहुत ही सुंदर, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको यहाँ पर थ्रेड पैटर्न चूड़ी का सेट बनाकर दिखा दी हूँ। तो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस सेट को आप करवा चौथ या करवा चौथ के फेस्टिवल में या फिर अभी नवरात्रि के पूजा फेस्टिवल में बहुत ही आराम से वेयर कर सकते हैं। तो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट चूड़ी का सेट बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप भी सीखना चाहते हैं कांच की चूड़ी का सेट कैसे बनाते हैं, ब्राइडल चूड़ा सेट, मारवाड़ी चूड़ा सेट, डेली यूज के लिए चूड़ा सेट, प्लेन चूड़ी का सेट, हरियाली तीज के लिए चूड़ी का सेट, करवा चौथ के लिए चूड़ा सेट कैसे बनाते हैं, तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पर रोज़ शॉर्ट्स वीडियो में चूड़ी के सेट बनाना सिखाती हूँ। और अगर स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो आप हमारी लॉन्ग वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने अपने चैनल पर बहुत ही सुंदर सुंदर और बहुत ही सिंपल सिंपल तरीके से चूड़ियों का सेट बनाकर सिखाई हूँ। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल पर जाकर एक बार चेकआउट ज़रूर करिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो सबसे ज़्यादा कौन सी अच्छी लगी और आपको कौन सी चूड़ी का सेट सबसे ज़्यादा पसंद आया, प्लीज़ आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको किसी और कलर में मिक्स मैच करवाना है चूड़ियों का, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम आपके बताए हुए कलर में चूड़ी का मिक्स मैच करके नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर देंगे। इसके अलावा अगर आपको साड़ी, सूट, सरारा, घरारा, लहंगा, ब्राइडल लहंगा, गरबा फेस्टिवल्स के लिए ज्वेलरी, साइड ज्वेलरी, ब्राइडल ज्वेलरी, इयर रिंग्स कलेक्शन, टॉयस कलेक्शन देखने हैं, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंडों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। और भी इसी तरह से चूड़ी का सेट लगाना सीखना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे मैं यहाँ पर काफ़ी सारे आपके चूड़ी का सेट बनाकर सिखाई हूँ। तो आपको सबसे ज़्यादा किस चूड़ी का सेट पसंद आया आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मैं नेक्स्ट चूड़ी का सेट बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं पीली कलर की चूड़ी का सेट बनाई हूँ। इस सेट को आप करवा चौथ के फेस्टिवल में, करवा चौथ पूजा फेस्टिवल्स में या फिर अभी नवरात्रि के फेस्टिवल्स में बहुत ही आराम से वेयर कर सकते हैं। और इन चूड़ियों के सेट को आप कहीं वेडिंग में भी पहन कर जा सकते हैं, बहुत ही आराम से पूजा में भी पहन सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये सेट आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंडों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे बहुत ही सुंदर तरीके से मैंने यहाँ पर लाल और पीली कलर की चूड़ी का मिक्स मैच कर दिखाया है आपको, और गोल्डन चूड़ियाँ ऐड, कंगन ऐड कर दी हूँ इनमें और येलो चूड़ियाँ ऐड की हूँ। तो इसे आप करवा चौथ के फेस्टिवल में ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। तो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैं आपको लास्ट और सबसे अच्छे तरीके चूड़ी का सेट दिखा रही हूँ, जिन्हें आप करवा चौथ के फेस्टिवल में और ब्राइडल भी, जो अभी न्यू ब्राइडल होंगी वो एक बार ज़रूर इस चूड़ी के सेट को ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर मैं गोल्डन और लाल कलर की चूड़ियाँ ऐड कर ली हूँ। अब इसमें मैं प्लेन चूड़ियाँ ऐड करूँगी, जहाँ पर हमने गोल्डन चूड़ी ली थी चार चार, उनके बीच में हम ये चूड़ी ऐड कर लेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से मैं ये वाला चूड़ी का सेट बनाकर आपको दिखाई हूँ। इसे जो अभी न्यू ब्राइडल होंगी तो करवा चौथ में इस चूड़ी का सेट प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको सबसे सेट कौन पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, बाय।